मेरी बनेगी नहीं, अब तो मेरी जो बनी है उसमें तुम भी बना लो, है ना। तो मेरे साथ तो तुम जय सीताराम बोला करो, कथा मेरे से कृष्ण जी की सुना करो, समझे। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा, बड़ी मंगलमयी कथा है। भगवान की बड़ी कृपा होती है तब मिलता है। तो मैं आपसे कह रहा था, बात दूसरे तरफ चली गई कि जब मैं जब बिहारी जी के यहां आता हूं और जब जाने के लिए तैयार होता हूं, तो जब अंतिम दर्शन करने जाता हूं यात्रा का, तो खूब प्रार्थना करता हूं। कभी कभी आंसू से आंसू भी निकल आते हैं। कहता हूं प्रभु, अब मुझे अयोध्या से यहां आने में कष्ट होता है। सच्ची बात कहने में अगर गुनाह नहीं है तो माफ करिएगा मुझे। मुझे अयोध्या से यहां आने में कष्ट होता है। अब मुझे तो कनक भवन सरकार में ही आप अपनी छवि का दर्शन करा दिया करो। अब मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मैं वहीं रहूं। हर बार कह के जाता हूं, कई बार से हो रहा है ऐसा। फिर वो कान ऐठ के बुला लेते हैं, फिर मैं चला आता हूं। तो मैं सोचता हूं कि उनको भी मुझसे प्यार है। मेरा तो उनसे प्यार है ही, उनको भी मुझसे प्यार है, है ना। तो है ना कि वृत्रासुर ने बड़ी याचना की है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, यानी अजात पक्ष पक्षी जैसे अपने माँ के स्तन की आकांक्षा करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारी आकांक्षा करूं। तो फिर कहते हैं नहीं, अजात पक्ष पक्षी तो माँ की आकांक्षा करते ही है। इसमें एक बात और है, स्तन्यम यथा वत्सतर अक्षुधारता, इसे क्षुधार तो वत्सतर स्तन्य की कामना करता है। अजात पक्ष पक्षी जैसे मां के दर्शन की कामना करता है, और क्षुधार्त तृषार्त वत्सतर जैसे अपने मां के दूध की कामना करता है। तो दोनों तरफ का प्रेम हो गया हमारे। जब गाय चर के आती है और बछड़ा घर में रहता है, तो बछड़ा कहता हम्बा, यानी मां की कामना करता है, और मां उधर से दौड़ती हम्बा, ऐसा कहके दौड़ती। तो ये वृंदावन का ठाकुर बड़ा नटखट है महाराज, ये बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आपसे सच कहता हूं, बहुत प्यार करता है। मेरे ऐसे नालायक को भी खींच खींच करके, बुला बुला करके और यहां पर रखता है। ये उसका प्यार नहीं है तो क्या है, बताओ। आप बताओ महाराज, क्या प्यार ही है। अब की मैं सोचे गया था अब नहीं आऊंगा, तो हमारे बलराम बाबा ने जिद कर ली, तुमको तो आना ही पड़ेगा। मैंने यहां तो निपट लिया इनसे। अभी अयोध्या जी पहुंच गए, कह मैं 22 वर्ष के बाद उसके अयोध्या जी आया हूं, राम भक्त होकर के भी। तुमने कहा बड़ा सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है कि आप अयोध्या जी आ गए 22 वर्ष के बाद, और हमारा भी सौभाग्य है कि आप ऐसे निष्ठावान संत के दर्शन हुए। हमारे रामस्वरूप दास जी महाराज भी पहुंचे, हमारे पूज्यपाद श्री नित्यपाल दास जी महाराज, वो पहले से ही इनकी वकालत करने बैठे थे। अब इनके भक्त लोग भी पहुंचे, नाम तो हमको याद नहीं रहता, सब भक्त लोग भी पहुंचे, और इनकी आंखों में मैंने इतना प्यार देखा कि मैं ना कर ही नहीं पाया। मैंने कहा आऊंगा, लेकिन मैंने झटका तो दिया। हमने कहा व्यापारी लोग हैं, 7 दिन की बजाय 15 दिन में अपने आप चकरा जाएंगे। तो मैंने कहा 7 दिन नहीं कहूंगा, 15 दिन कहूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये भी वार खा ली गया। इन्होंने कहा हमारे भादों में ही स्वीकार कर लीजिए। मैंने कहा भादों में नहीं, मैं तो साल के बाद स्वीकार करूंगा। इन्होंने कहा हाँ। मेरे सारे वार खा ली गए और मैं चला आया श्री वृंदावन धाम, और आप बैठ करके आपके सामने भागवत शुरू करने जा रहा हूं। मेरे पास अब शक्ति नहीं है, गत वर्ष जब आया था तब से 4 आना शक्ति कम हो गई, तो कितना कह पाऊंगा भगवान जाने। लेकिन बल तो वही देंगे, मनुष्य का बल थोड़ी होता है, ठाकुर ही के बल से ठाकुर की कथा कही जाती है ना। उनकी जैसी कृपा होगी वैसा होगा। अब आइए आपको कुछ सुनावे, इसमें समय लग गया।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल। किसी भी ग्रंथ के समझने के लिए उसके महात्म्य की आवश्यकता है। महात्म्य ज्ञान के बिना स्वरूपक ज्ञान नहीं होता है। महिमा के बिना मधुरिमा का आभास नहीं होता है, इसलिए महात्म्य ज्ञान आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कई जगह वर्णित है, संहिताओं में भी वर्णित है और पुराणों में भी, तीन पुराणों में तो विशेष वर्णित है। स्कंद पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है और पद्म पुराण में भी है। दास भी पद्म पुराण के आधार पर महात्म्य का वर्णन करने जा रहा है। यही परंपरा हमारे यहां चली है और हमारे गुरु लोग यही करते आए हैं, हम भी वही कर रहे हैं। पद्म पुराण में भागवत के महात्म्य का वर्णन, महात्म्य वर्णन के पूर्व वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सब बोलिए, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद हैं, सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सृष्टि का प्राकट्य करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, इनके संहार करने में हेतु वही। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, और सुनो हो, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, किसी भी प्रकार का ताप हो, उन ताप का भी विनाश भगवान श्री कृष्णचंद्र ही करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में हम लोग आदर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। श्री कृष्णाय वयं नमः, बस हमारे यहां युगल की आराधना है। हम लोग आराधना युगल की ही करते हैं। श्री सीताराम की आराधना करते हैं, श्री राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। भारतीय संस्कृति में युगल की उपासना है, इसीलिए जब लोग कोई कहते हैं ना कि हमको धर्म निरपेक्ष नीति चाहिए तो हमको अच्छा नहीं लगता। धर्म निरपेक्ष नीति हो ही नहीं सकती, धर्म और नीति का तो जोड़ा है। धर्म और नीति जब तक दोनों मिलेगी नहीं तब तक संसार का कल्याण कभी होगा नहीं। युगल की उपासना है, श्री कृष्णाय वयं नमः। लेकिन महाराज यहां तो खाली कृष्ण जी की है, यहां तो श्री जी की वंदना है नहीं। क्यों नहीं? श्री कृष्णाय वयं नमः है, श्री राधा जी के सहित जो कृष्ण हैं उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण का मतलब ही है कि श्री राधा के सहित कृष्ण, श्रिया सहित कृष्ण, श्री कृष्ण। तो राधा जी के साथ वंदना है तो रुक्मिणी के साथ नहीं है? आखिर रुक्मिणी जी भी तो भगवान की पत्नी है और भगवान की तो बहुत पत्नियां हैं। राम जी के यहां तो श्री राम कहने से सीताराम की बात चल जाएगी, लेकिन कृष्ण जी के यहां खाली श्री कृष्ण कहने से, राधा कृष्ण कहने से काम नहीं चलेगा। तो कहें चाहे जितना श्री लगा दो, महाराज व्याकरण बड़ा उदार है। श्रीश्च 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 श्रीश्च, चाहे जितना लगा लो, एक भाव कर दो तो श्री कृष्णाय
मतलब राधा कृष्णाय, रुक्मिणी कृष्णाय, रमा कृष्णाय, लक्ष्मी कृष्णाय, सब के सब इसमें आ जाएंगे, किसी कोई छूटेगा नहीं, चाहे जितने ले लो सब आ जाएंगे। 16,108 पटरानियां सारी गोपियां श्री कृष्ण में सन्निहित हो जाएंगी। श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय तो ये श्री कृष्ण के साथ क्यों कहा? राधा कृष्ण कह देते या कोई और कह देते, ये श्री कृष्ण कहने का भाव क्या है? कि देखो हो, ये श्री जो है बड़ा विलक्षण शब्द है, इसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जन अगर करूंगा तो 2 घंटा ये श्री में ही लग जाएगा, समझे ना? तो कहीं मुझे घमंडी मत समझ लेना भला। तो ये श्री बड़ा विलक्षण शब्द है, इतना आनंद कम शब्दों में होगा, है ना? श्री माने जो भगवान की सेवा करे वो श्री। श्रयते हरिम या सा श्री, जो भगवान की सेवा करे वो श्री है। तो भगवान की सेवा करती है श्री जी। अब उदाहरण आप समझिए वृंदावन के, अथवा अब सेवा करने वाली की जरूरत है ना, तो श्री कृष्णाय वयं नमः किं बहुना अब उलट रहा हूं, जो भगवान के द्वारा जिसकी सेवा होती है वो श्री। हरिनाभि सीयते या सा श्री, जिसकी सेवा भगवान स्वयं करें। श्री राधा रानी की सेवा भगवान स्वयं करते हैं। ब्रह्ममय ढूंढो पुराणन गानन, वेद रुचा सुन चौगुने चायन। बड़ा बढ़िया पद है, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आ जाए तो बता दूंगा, रसखान का पद है, तुम बताना मत। ब्रह्ममय ढूंढो पुराणन गानन, वेद रुचा सुन चौगुने चायन। तेरत हेरत हारी पर्यो, रसखानी बतायो न लोग लुगायन। अंत में मैंने देखा उसको, खोजा तो सही पाया नहीं, लेकिन भैया जरा शांत रहो, ऐसे अरब तेरत हेरत हारी पर्यो, रसखानी बतायो न लोग लुगायन। लेकिन देखा मैंने, कहां देखा, बड़ी विचित्र विचित्र झांकी है। देखियो दुरे वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटित कर राधिका पाए। ये हरि की द्वारा सेवा है। ऐसे तो एक एक भाव और सुन लो, फिर आगे चलें। श्री कृष्ण आय वय, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सेवित हैं, ऐसी राधा और श्री कृष्ण की वंदना में कर रहा हूं। जिन जो श्री कृष्ण की अहर्निश सेवा करती रहती हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं। किम बहुना श्रीणोती की श्री, जो सुने उसका नाम श्री है, जो सुने उसका नाम श्री। ध्यान दीजिए, श्रीणोती की श्री, तो क्या सुनती है? जो भक्तों के दुख की गाथा को सुन लेती है उसका नाम श्री। श्रीणोती भक्त दुख गाथा या सा श्री, जो भक्तों के दुख की कथा को सुनती है उसका नाम श्री। एक बात और सुन, भक्तों के दुखों की गाथा सुनती तो है, और सुनकर के फिर क्या करती है? सुन करके जब ठाकुर का पाद संवाहन करती रहती है, तो ठाकुर का पाद संवाहन करते करते, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे जब ठाकुर के प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं प्रिया जी अब आप विश्राम करो, बहुत विलंब हो गया, कि स्वामी कुछ कहना चाहती हूं। कि बोलो। कि वो भक्त बहुत दुखी है, वो भक्त विरही है, हे स्वामी एक बार उसको कृपा करके निहार लो, उसका कल्याण हो जाए। तो श्रावयति या सा श्री,
जो भक्तों के हृदय को जाकर ठाकुर को सुना दे उसका नाम श्री श्री कृष्ण आय वय नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज की वंदना है कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विने दुः तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि, संपूर्ण प्राणियों के हृदय सुखदेव मुनि के चरणों में आनतोस्मि, मैं अच्छी तरह प्रणाम कर रहा हूं। संपूर्ण सर्वभूत हृदय संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जो प्रविष्ट हो रहा है ऐसे सुखदेव के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। वो कैसे हैं तो एक झाकी हल्की सी, यम प्रव्रजंतम, सुखदेव जी की ही तो कृपा का प्रसाद लेने जा रहे हैं, उन्हीं के शीत प्रसाद का आस्वादन करने जा रहे हैं, उन्हीं की मुख विगलित वाणी का आस्वादन करने के लिए हम लोग बैठे हैं, इसलिए थोड़ा तो उनकी गाथा गालें तब आगे बढ़े। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रज्ञा ग्रहण करके चले जा रहे हैं मां के गर्भ से, बहुत वर्षों के बाद निकले हैं, इतना तो गर्भ में बहुत कम लोग रहे हैं महाराज, मां के गर्भ से निकलते ही नहीं थे। व्यास कहें बेटा आजा गर्भ से बाहर, तेरी मां कष्ट पा रही है। मां कहती है बेटा गर्भ से बाहर आजा, तू कष्ट पा रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी के शब्दों को पीना। सी व्यास कहते बेटा गर्भ से बाहर आजा, तेरी मां कष्ट पा रही है। और मां कहती है बेटा गर्भ से बाहर आजा, इस मलमूत्र की कोठरी में तू दुख पा रहा है, आजा मैं नहीं आऊंगा, मुझे बाहर माया लिपट जाएगी, मैं आश्वासन दे रहा हूं आजा बेटा। कहें तो आप क्या आश्वासन दोगे, आप तो पुत्र पहले ही कह रहे हो, माया तो पहले ही आप लगा रहे हो, मेरे परमाराध्य आनंद कंद ब्रजे नंद श्री कृष्ण चंद्र अगर आके मुझसे कहें कि निकल आ तो मैं निकल आऊ। मुरली मनोहर भगवान त्रिभंग ललित होकर श्री शुक को दर्शन देते हुए कहते पुत्र आ जाओ, शुक आ जा बाहर आ जा, मेरी माया तुझे नहीं व्याप्त होगी, मैं आश्वासन दे रहा हूं ये माया सबको व्याप्त होती है स्वामिन, लेकिन शुक जो मेरा प्रपदन करते हैं उनको माया नहीं व्याप्त होती है। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, लेकिन मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरद, आजा मैं वचन दे रहा हूं। सुख निकले, निकलने के साथ दिव्य शरीर था महाराज, ये भगवान का शरीर है, मुझे क्षमा करना अब इसकी व्याख्या भी नहीं करूंगा, इन विद्वानों से सुनना, हम तो सूत्र दिए जा रहे हैं, ये भगवान का शरीर है, इसमें मल है मूत्र है कुछ नहीं, कोई गंदगी नहीं है। ये तो यम प्रव्रजंतम, निकल के बाहर चले, निकले कैसे चले, प्रव्रजंतम सन्यस्य गच्छन्तम, प्रव्रज्ञा ग्रहण करके जा रहे हैं। तो था ही क्या जिसको छोड़ के जा रहे, क्या था, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता है, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। वो अभागे हैं जो पत्नी के लिए मां छोड़ देते हैं, अभागे। श्री शुक्मनी